साथ आपके साथ वीडियो को भी हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सारी रेसिपी का आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने यूट्यूब फैमिली क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है। उम्मीद करते खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से हम लोग भी खैरियत से ठीक ठाक हैं। तो हाँ जी व्यूअर्स, थोड़ी सी धूप निकली हुई है तो अभी मैंने ऑयल वगैरह लगाया, मेरे सर में इतनी ज़्यादा खुश्की है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, तो मेरे बाल भी जो ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। तो ये देखे साइडों से ना, तो मैंने आज ऑयल वगैरह लगाया तो अभी मैं नहाता हूँ। तो अभी बस नहाना भी क्या है, नीचे वाले जो हमारा पानी में नीचे जाता है तो वो इतने ज़्यादा तंग है कि उनके कमरों में पानी चला जाता है, क्योंकि बाहर वो सड़क का काम हो रहा है तो उसकी वजह से गटर जो बंद है तो उस वजह से वो परेशान है। तो फिर हम लोग जो त्याग से पानी यूज़ करते हैं, तो अभी नहाना है मैंने, तो इरादा है कि इधर बाहर में नहा लूँगा तो पानी जो है वो बाहर फिर गली में लगा देंगे। तो हाँ जी फिर आप देख रहे होंगे आज मैं अकेला ही हूँ, बच्चे नहीं हैं घर पर, तो बच्चे गए हैं मेरे भाई के घर उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए, तो अभी वो भी आ जाते हैं इधर ही, तो मिलवाता हूँ आपको रज़िया के साथ भी। तो मैरी है इधर, मैरी इधर खेल रही है धूम में। हाँ जी, तो अभी बस रात को मेरी एकदम से तबीयत ख़राब होगी, पता नहीं क्या हुआ, मेरी चेस्ट के ऊपर पेन हो रही थी इतनी ज़्यादा कि इंतहा से ज़्यादा हो रही थी, जो बर्दाश्त के बाहर है वो पेन हो रही थी रात 12-1 बजे के करीब। तो फिर मैंने रज़िया को उठाया, फिर रज़िया ने प्रे वगैरह की है तो फिर वो थोड़ी सी कम हो गई, और एक मेडिसिन पड़ा हुआ था वो यानी कि मैदे का कैप्सूल था वो मैंने खाया तो सिरप वगैरह पिया, तो खुदावन का शुक्र है अब तो मैं थोड़ा सा बेहतर हूँ। फिर भी आप लोगों ने दवाओं में याद रखना है कि ये जो मेरी इधर पेन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो मिलवाता हूँ रज़िया के साथ भी, रज़िया अंदर कुछ काम कर रही है। हेलो रज़िया। हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से उम्मीद क्या खैरियत से है। तो सबसे पहले व्यूअर्स, मैं पता कि आप के साथ बात शेयर करूँगी, रात को इतनी ज़्यादा पेन हुई है एकदम से, और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी मैं आपको बता नहीं सकती, और ये इतनी ज़्यादा टेंशन लेते, मैंने इनको बोला कि टेंशन लेना बंद कर दें, मिल जाएगी जॉब, और जॉब की वजह से ये बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। तो बस इनको जो पेन हुई है वो इस वाली साइड पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर मैंने उसके प्रे वगैरह की, और हाँ फिर इसको मैंने कैप्सूल था वो मतलब कि जो रेजिंग का बोलते हैं ना, हाँ रेजिंग का वो रेजिंग, हाँ रेजिंग, तो वो इनको खिलाया तो थोड़ा सा ये बेहतर हुए, खुदा का शुक्र है। तो आज मैं पतरस को बना के देने लगी हूँ कलेजी, जो मैं आप लोगों के साथ भी रेसिपी को शेयर करूँगी, और आप लोग कैसे बनाते हैं आप भी कमेंट में मुझे जरूर लिखिए। तो हाँ जी व्यूअर्स, मिलते हैं जरा बैक कैमरे के। तो ये देखिए ये कलेजी है, उसको हम पहले निकाल लेंगे व्यूअर्स, ये 1 किलो है, ज़्यादा नहीं है ये आप देख सकते हैं, तो माशाल्लाह मतलब कि फ्रेश है जी। हाँ जी बिल्कुल फ्रेश है ये, आप देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना ब्लैक लगा हुआ है, क्योंकि ये अभी लेके आए हैं और ये बोल रहे हैं कि मेरा कलेजी खाने को दिल कर रहा है तो मेरे लिए बना दो। तो ये देखिए अभी इसको हम पहले अच्छे तरीके से बस ये उतार देंगे, फिर उसके बाद जो मैं इसको अच्छे तरीके से मॉश करूंगी, और ये देखना नीचे से अभी काफ़ी ये लगा हुआ है, ये देख सकते हैं ये चिकना वगैरह लगा है, ये उतार देंगे सारा उतारेंगे, तो फिर उसके बाद जो है कि मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। तो आप वो छुरी जो छोटी ले लें, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप कौन सा इधर कट्टा लाल कर रही है तो कट्टा ही है ये तो आप लोगों ने प्लीज पतरस के लिए दुआ करनी है, जब इनको कुछ हो जाता है मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है, अभी बस मैं फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं रात को मैंने किस तरीके के साथ जो ना कि अपने आप को कंट्रोल किया, और ये एकदम से रोने लग गए क्योंकि इतनी ज्यादा इनको पेन हुई। हाँ जी बस पता नहीं क्या मसला हुआ है, एकदम से ही होना शुरू होगी, तो नहीं तो मैं खाना वगैरह खा के सही लेटा था तो एकदम से ही रात 12-1 बजे के करीब वो स्टार्ट हुई है। हाँ जी। तो फिर मैं उठा नहीं था रहा रज़िया को क्योंकि ये सो रही थी, तो फिर जब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हुई है फिर मैंने रज़िया को आवाज़ दी कि रज़िया मुझे पेन हो रही है, तो फिर रज़िया एकदम से उठी है और फिर इसने मुझे मेडिसिन वगैरह दिया है और प्रे की है, तो खुदा उनका शुक्र है अब मैं कुछ बेहतर हूँ। तो आप लोगों ने भी दुआ में याद रखना है कि मैं प्रॉपरली ठीक हो जाऊँ। हाँ जी, तो ये मैंने उतार दिया, ये आप देख सकते हैं, ये देखें इसको मैंने उतार दिया अच्छे तरीके से, तो ये भी अभी उतरेगा ना क्योंकि एक बंदा इसको पकड़ेगा, फिर जो मेरे पास वो नहीं है अभी बस मतलब चॉपर जिसके ऊपर ये कर सकते हैं आसानी से,
हाँ जी, तो रजिया भी वैसे उधर बंगले पे थी तो उधर हर चीज जो थी मुहैया थी, क्योंकि वो चोपर वगैरह पड़ा होता था उसके ऊपर ही अच्छी मुश्किल नहीं होती, मुश्किल नहीं होती थी। हाँ जी, तो इस तरह ऐसे पकड़ना। चले, आप लोगों ने दुआ में याद रखना कि वो भी चीजें हम लोग जल्दी से जल्दी ले, क्योंकि किचन में वो चीज जो है बहुत जरूरी होती है। तो अभी मैं इसको जब अभी बस बना लूंगी अच्छे तरीके के साथ, सारा कुछ तैयार कर लूंगी। हाँ, ये मसाला जो मैंने इसमें ऐड करना है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और जब मैं इसको बनाऊंगी फिर आपके साथ वीडियो आगे शेयर। ये होगी इसकी सफाई कलेजी की, ये देखे जरा ये साफ सुथरा, और ये देखिए साफ सुथरी होगी। अब इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं क्योंकि जो भी ब्लड वगैरह इसका लगा हुआ वो सारा उतर जाए, और उसके बाद इसके करेंगे हम पीस। हाँ जी, छोटे छोटे पीस किए हैं। इतनी साफ सुथरी होगी ये, आप देख सकते हैं। तो ये अभी धुल गई है, तो धुल के तो इसके करेंगे कटिंग। हाँ जी, छोटे छोटे, क्योंकि जो इसके ये सुराख है ना बस इसमें ब्लड होता है, ये आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो इस वजह से मैंने पहले इसके अच्छे तरीके से ये मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी जब बनाए इसको ये साफ करके बनाए। तो ये देख सकते हैं आप, अभी ब्लड निकल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो ये अच्छे तरीके से इसका पानी लेके आओ साफ, और एक दफ़ा धोए बढ़िया, इसको गिरा के लेके आओ। तो इसको हम रखते हैं साफ वाली ट्रे में। तो ये होगी एक दफ़ा साफ, और ये जो गंद उतरा है इसका ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गंद उतरा है, इसके अंदर डालते हैं हम। और काफ़ी देर के बाद बस आज मैंने ये बनानी है, तो ज़रूर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। और मैं आते ये कर रही हूँ बहुत ही अरसे के बाद, क्योंकि जब जॉब करते थे तब बनाती थी, अब मैं नहीं बनाती इसको। तो ये एक तो महंगी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, तो हम इतनी ज़्यादा लेके भी नहीं आए क्योंकि पतरस में खानी है और बच्चे खाएंगे, मतलब ये टेस्ट ही लेना है, पेट तो भरना नहीं है। हाँ जी, इस वजह से हम लोगों ने बनाई। तो अभी इसके जब मैं पीस करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गई है फ्रेश पानी के साथ, अभी करने लगे इसके स्लाइस छोटे छोटे। देखिए इसके जो पीस है हम छोटे छोटे करेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे। तो आपके साथ वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। हाँ जी, भी बस तो ये आप लोगों ने भी ट्राई करनी है, इसके जितने छोटे स्लाइस होंगे उतनी तो अच्छी बनेगी। हाँ जी, तो पता है उसकी तबीयत खराब थी, तूफान भी आया पता करने के लिए। हाँ जी, तो तूफान है वो अंदर खड़ा हुआ है, तो वीडियो में तो वो बोलता नहीं है। हाँ जी, तो वैसे दिखा दी है। हाँ जी विवास, तो क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। और इस ब्लॉग को हमने खूब प्यार देना है। हाँ जी, और हर भाई बहन के साथ शेयर भी करना है, ठीक है? तो लिहाजा फिर मिलेंगे वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी विवास, तो विवास ये जो मेरा इरफान भाई है इसकी शादी भी होनी है, तो आप लोगों ने दुआ में याद रखना है कि इसकी जल्द से जल्द शादी करें। तो जब शादी करेंगे तो वो सारी आपके साथ वीडियो करेंगे शेयर। तो अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, खुदा करे अच्छा रिश्ता मिल जाए तो फिर हम इरफान की शादी करेंगे। तो क्योंकि व्यूअर्स यही अकेला रह गया, बाकी तो सब शादीशुदा हैं, तो मैं इनसे सबसे बड़ा हूँ। हाँ जी, पता से छोटा है। हाँ जी, तो ये देखें व्यूअर्स, इसके मैं स्लाइस करने लगी हूँ और आपके साथ वीडियो को शेयर करते हैं। और ये इस तरह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि नीचे वो फिसल रही है ट्रे, और फिर भी मैं करूँगी। तो है पीस इसके, ये देख सकते हैं आप, तो ये देखिए जरा बस, ये चोपर के बगैर जो है ना बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो स्लिप है। हाँ, वो लकड़ी का बना होता है बस, उससे कोई चीज जो है ना कि वो स्लिप नहीं होती, स्लिप नहीं होती। तो ये पीस करके तो फिर जब मैं मसाला वगैरह बनाती फिर हाँ जी, तो करती हूँ। देखिए जरा वॉश करके रख ली है, तो इसके पीस भी मैंने कर लिए है, तो पीस इसके अच्छे हो गए, फिर भी कोशिश की लिए तो अच्छे हो गए, लेकिन अगर चॉपर होता तो इससे भी ज़्यादा अच्छे होने थे। तो मसाला भी मैंने पीस लिया है, तो सबसे पहले बस इसका मसाला हम ऐड करेंगे देचकी में, ये आप देख सकते हैं, और इसमें डालेंगे ऑयल। तो फिर साथ साथ मैं आपके साथ वीडियो को करती हूं। यार और है इसके अंदर, वो भी निकालो जरा, इतना महंगा मसाला, थोड़ा सा पानी डालूंगी तो निकलेगा। तो ये देखे जरा इसके अंदर ऑयल भी ऐड हो रहा है, तो ये डाल दिया मैंने ऑयल।
साथ आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो आप लोगों ने मिस नहीं करनी, बहुत जबरदस्त होने वाली है रेसिपी भी। हाँ जी, शेयर कर रहे हैं हम। हाँ जी ब्लॉग, तो अभी मैं चलती हूँ चूल्हे की तरफ, तो फिर मिलती हूँ आपको मसाला जब मैं डालूंगी तब। मसाला हो रहा है तैयार, चूल्हे पे चढ़ा दिया, तो चूल्हा देखे थे हमारा कितना बड़ा नीचे। तो ये तो इसको लगेगा अभी टाइम, तो ये जैसे ही मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर जब मैं नमक मिर्च ऐड करूंगी और इलायची ऐड करूंगी फिर आपके साथ वीडियो को शेयर। तो ये देख सकते हैं आप, मसाला हो चुका तैयार, तो अभी इसमें हम ऐड करते हैं बाकी चीज़ें और साथ साथ आपके साथ वीडियो भी शेयर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, और ये जो फिल्पस आया हुआ है ना इधर, वो पीछे पीछे बोल रहा है, आप लोगों को आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो ये मैंने मसाला सारा कर लिया है तैयार, तो अभी इसमें हम ऐड करते हैं नमक और मिर्च। और ये देखिए डाल दिया नमक, और अपने अपने तरीके से सब बनाते हैं, तो मैं भी आज अपने तरीके से बना रही हूँ और आप मैंने बताइए कि मैंने सही बनाई है या नहीं। और अभी इसमें पीसी मिर्च हम ऐड करेंगे, और साथ साथ वीडियो भी हम शेयर करेंगे। और ये मैंने डाल दिया पीसी मिर्च, ये देख सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, क्योंकि मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये मैंने डाला जीरा, ये देख सकते हैं आप। तो अभी इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, फिर मसाला अच्छे तरीके से हो जाएगा तैयार, और फिर इसमें हम डालेंगे कलेजी और इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। अब ये थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, और अब ये मसाला थोड़ा सा मतलब के पानी इसमें जज़ब हो जाए, फिर इसमें मैं डालूँगी कलेजी और फिर आपको दिखाते हैं। मसाला हो चुका तैयार, तो अभी हम इसमें ऐड करते हैं कलेजी, और ये देखते हैं मैंने कलेजी को कर दिया ऐड, और ये काफ़ी साफ़ सुथरी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। और कुछ लोग इसमें दही भी ऐड करते हैं, तो मैंने दही की जगह पे थोड़ा टमाटर ज़्यादा कर दिया, और ये बहुत अच्छे तरीके से बन गए। साथ साथ आपके साथ वीडियो को भी हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सारी रेसिपी का आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने इस तरीके से बनाई है, और आप किस तरीके से बनाते हैं वो भी कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। तो ये अभी फाइनली तैयार होती है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ तैयार। हाँ जी, तो ये देखिए अभी हम इस पर सब्ज़ धनिया डालेंगे, तो ये रजिया सब्ज़ धनिया इस पर ऐड करने लगी, तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह कितना प्यारी लग रही है। और ये फैमिली फैमिली हो चुकी है तैयार, तो आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये छोटा सा ब्लॉग था जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे तब के लिए खुदा हाफिज़।